आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ कांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहली बार बयान सामने आया है। उन्होंने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि अब माफिया राज्य में किसी को भी डरना या धमकाना नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अब दंगा मुक्त राज्य है। स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता, कोई नहीं डरा धमका सकता। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लोक भवन में मंगलवार को पीएम मित्र योजना के तहत हो रहे कार्यक्रम को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के सामने एमओयू साइन हुआ। बताया गया कि प्रयागराज में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद सीएम का यह पहला बयान सामने आया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।